कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो आज हम करेंगे बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसको ध्यान से सुनना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। अगर हमारे पास इम्प्योर उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, राइट। जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। इम्प्योर का मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी हो। द सेमीकंडक्टर्स इन विच द करंट कैरियर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ओनली अक्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अनदर डेफिनेशन नोट डाउन, मैंने क्या बोला कि वो सेमीकंडक्टर जिनके बीच में जो करंट कैरियर्स क्या हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, लेकिन कहाँ पर, ओनली अक्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। मैंने आपको कल बताया था यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर क्या है, बैलेंस बैंड, दिस इज फॉरवर्ड एनर्जी गैप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो रहे हैं, करंट कैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ओनली क्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसके क्रॉस, ये जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है इसके क्रॉस क्या होते हैं, वो क्रिएट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द सेमीकंडक्टर इन विच द करंट कैरियर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द थर्मल एक्साइटेशन ओनली अक्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिंपल डेफिनेशन, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। अगर आपने सिंपल डेफिनेशन देखनी है तो प्योर, लेकिन मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई वो भी आपने नोट कर लिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स हैं वो किस में होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन कौन से, जर्मेनियम और सिलिकॉन, राइट। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बिहेवियर की, किसके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। हमारे पास पहले आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आएगी जो आपने ये क्या किया हुआ है, हमारे पास जो बैंड वाला हमने किया था ना, एनर्जी बैंड थ्योरी, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। दोनों करेंगे यार, ठीक है, जितनी जल्दी खत्म हुआ उतनी जल्दी आप फ्री, मैं भी फ्री। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसकी, बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल कूल माइंड से, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, राइट, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डिमेंशनल होता है और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्री डिमेंशनल और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डिमेंशनल होता है और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो लैटिस स्पेसिंग होती है जर्मेनियम में, ये आपने नोट करनी है, लैटिस स्पेसिंग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैसे आपने, लैटिस स्पेसिंग फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए जो लैटिस स्पेसिंग होती है जर्मेनियम क्रिस्टल में वो होती है 5.66 एंगस्ट्रॉम, राइट। कितनी होती है, 5.66 एंगस्ट्रॉम। और सिलिकॉन के लिए 5.43 होती है, 5.43, क्लियर, राइट। कार्बन के लिए 3.56 होती है, 3.56 एंगस्ट्रॉम। ये आपने याद करिए, ये लैटिस स्पेसिंग पता है ना, क्रिस्टल लैटिस में आपने लैटिस स्पेसिंग करते हो। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ा है ना आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आप क्या करते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करते हो ना कुछ, राइट। वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, भूल गया हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो हमारे पास जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कार्बन में भी होते हैं, कार्बन में भी फोर ही होते हैं ना। हाँ तो ये कार्बन फैमिली नहीं है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, कार्बन फैमिली है ना। हाँ वेरी गुड। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर मोस्ट शेल उनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल को ही बोलते हैं, इनर मोस्ट को तो नहीं बोलते ना। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कार्बन में कितने हैं फोर, सिल्कॉन में कितने हैं फोर, जर्मेनियम में कितने हैं फोर, ठीक है क्लियर। तो जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है उसमें हर एटम के पास फोर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करने की क्षमता है ना, यही है ना। दे कैन फॉर्म फोर कोवलेंट बॉन्ड्स, कार्बन भी सिलिकॉन भी जर्मेनियम, ऐसे होता है ना। कैटिनेशन बढ़ी है आपने कार्बन में है ना। हाँ चलो अब हमारे पास सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन के पास फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है राइट। सिलिकॉन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फोर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना इसको, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। एक और सिलिकॉन आ गया उसके पास भी फोर है, एक सिलिकॉन यहां पर रख दिया मैंने इसके पास भी फोर है, एक यहां पर रख दिया इसके पास भी फोर है, ऐसे ही रखते जाओ यार, इधर रख दो इसके पास भी फोर, इसके पास भी हो गया, ऐसे ही आप बनाते जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है दे कैन फॉर्म फोर कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर, बना सकते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा कि इसने इसके साथ बना दिया, 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 इसने इसके साथ, इसके साथ ऐसे ये उधर वाले के बाद, ये उधर वाले के बाद, ये ऐसे क्या बन जाएंगे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड राइट। वो समझ आ गई तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे बीच में आप जर्मेनियम लगा दो, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग इट्स फोर इलेक्ट्रॉन्स विद द नेबरिंग फोर एटम्स राइट, क्लियर। तो ये हमारे पास टू डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, थ्री डिमेंशनल आपने केमिस्ट्री में भी देखी होगी, बुक में भी देखी होगी आपने। तो हमारे पास सिलिकॉन एटम ने क्या किया कि ईच एटम दैट फॉर्म्स फोर कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द नेबरिंग फोर एटम्स, इसने भी अपने फोर इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से शेयर कर लिए, इसने भी फोर इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से शेयर कर लिए, सिलिकॉन। तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ गया राइट। एट जीरो केल्विन, जब मैं बोलूंगा कि एट जीरो डिग्री केल्विन, जीरो केल्विन के ऊपर, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स है दे आर कंप्लीट, ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स आर कंप्लीट। ध्यान से सुनना ये वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने क्या बोला, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर सिलिकॉन का, ऐसे ही आप यहां पर जर्मेनियम पुट कर दो, ऐसे आप सी लिख दो, ऐसे ही स्ट्रक्चर आएंगे। ये टू डिमेंशन में आपको शो कर रहा हूं, ये फिगर टू डिमेंशन शो कर रही है ठीक है। अगर हम थ्री डिमेंशन देखें तो इसका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जीरो केल्विन के ऊपर जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर कंप्लीट। हम कहते हैं ना कि एट जीरो केल्विन जो सेमीकंडक्टर डैट बिहेव एज एन इंसुलेटर, अब आपको पता चलेगा कैसे होता है। मैंने क्या बोला कि जीरो केल्विन के सारे कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, सो देर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द क्रिस्टल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। करंट को कंडक्ट करने के लिए यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए यहाँ पर। लेकिन जब हम जीरो केल्विन बोल रहे हैं कि एट जीरो केल्विन सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। सिलिकॉन ने अपने चार के चार सभी को क्या कर दिए हुए हैं, शेयर कर दिए, कोवलेंट बॉन्ड बन गए सभी के साथ, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। ये सिर्फ मैं जीरो केल्विन के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, डैट बिहेव एज एन इंसुलेटर एट जीरो केल्विन। आप समझ में आई, क्वेश्चन आता है कि बाय सिलिकॉन और जर्मेनियम दे, या बाय सेमीकंडक्टर एट जीरो केल्विन दे बिहेव एज एन इंसुलेटर, तो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं क्योंकि सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट है। आप समझ में आई। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन होल कैसे जनरेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें आपको बता दी। नाउ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स,
रूम टेम्परेचर के ऊपर सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स दे विल ब्रेक बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द क्रिस्टल. रूम टेम्परेचर के ऊपर इनको थर्मल एनर्जी मिल जाती है. रूम टेम्परेचर, मैं जीरो केल्विन नहीं बोला, रूम टेम्परेचर पर कोई ना कोई तो टेम्परेचर है, राइट. अब आप देखोगे अगर आप देखोगे बाहर का टेम्परेचर इस टाइम 35 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, इसलिए उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो. आता है ना केल्विन में कन्वर्ट करना, 370 वाला वो कुछ फार्मूला, हाँ वेरी गुड, आता है आपको, राइट. 370 है, 270 है, चलो देखना. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना सारा कुछ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मुझे नहीं आती केमिस्ट्री. अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स दे विल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द क्रिस्टल. जब हम इसको थर्मल एनर्जी सप्लाई करेंगे अपने आप ही हो जाती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप इसको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी. थर्मल एनर्जी मिल जाएगी तो क्या होगा, कुछ एक कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाता है. द इलेक्ट्रॉन विच लीव्स द बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन विच लीव्स द बॉन्ड इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी. इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, यहां पर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पहुंच गया और यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी, राइट. क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एच ओ एल ई, होल. क्या बोलते हैं उसको, होल. वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल. मतलब जो होल है हमारे पास, हम बोलते हैं ना कि करंट कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यही बोलते हैं ना कि करंट कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो होल्स क्या हुए, जो वैकेंसी क्रिएट हुई. अब आप बोलते हो कि वैकेंसी कैसे मूव करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. पहले ध्यान से सुनना कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स दे विल ब्रेक बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी. और जब ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाता है. इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, राइट, विच लीव्स द बॉन्ड एंड द वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल. पता चला वैकेंसी क्या है, द इलेक्ट्रॉन विच लीव्स द बॉन्ड दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द वैकेंसी क्रिएटेड इन द कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड होल, राइट. मतलब होल क्या है, दैट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो होल क्या हुआ, डेफिशिएंसी हुई है, राइट. वहां पर होल क्रिएट हो गया एंड द होल इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज प्लस ई, क्लियर. ये होल में जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, माइनस ई, तो होल के ऊपर कितना होगा, प्लस ई. अब जो होल है That can be filled by an electron from the neighboring covalent bond. क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, होल कैसे चलता है. ये इलेक्ट्रॉन जो है नेबरिंग वाला, राइट, ये नेबरिंग वाला इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आएगा, ये यहां पर चलाएगा, जिसका मतलब यहां पर क्या हो गया, होल बन गया. जब ये यहां पर आया तो यहां पर होल बन गया, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इधर आया. ऐसे ही क्या होता है, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास, मान लो ऐसे, मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब यहां वैकेंसी क्रिएट होगी. इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां वैकेंसी क्रिएट होगी. ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी. ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी. ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी. और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां पर वैकेंसी क्या होगी. तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे थे, होल इस तरफ को मूव कर रहा था. तभी मैं बोल रहा था कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट क्या जाता है, होल करंट जाता है, मतलब कन्वेंशनल करंट जाता है. पता चल गया वैकेंसी कैसे बनती है, राइट. ये वैकेंसी इधर को मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन जब इधर के जाएंगे वैकेंसी इधर को आ जाएगी, राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं. इज दैट क्लियर, पता चला. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द होल मूव्स इन द क्रिस्टल लैटिस इन रैंडम मैनर, क्लियर. उस समझ आ गई, ओके. अब रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स,
जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कीप ऑन ऑक्यूपाइंग द पॉजिटिव ऑफ नियर बाय होल्स, पोजिशन ऑफ द नियर बाय होल्स। जैसे मैंने बताया कि इसने इसका ले लिया, इसने इसका, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, पोजिशन ले लेते हैं नियर बाय होल की। दे कोलाइड विद द होल्स एंड रिकम्बाइन एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन अलॉन्ग विद द थर्मल जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जैसे स्टडी एक स्टेट इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की पोजीशन ले लेता है, रिकम्बाइन कर जाता है, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन कर गया और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर होल क्रिएट हो गया, वहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन आके रिकम्बाइन कर जाएगा और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई और से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होल क्या हो रहे हैं, वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं कि जो रिकम्बिनेशन है जब स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम आता है तो ये जो रेट ऑफ कम्बिनेशन है ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डेट इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं, जिस रेट से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस रेट से ही क्या कर रहे हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं। समझ आ गई, मतलब जैसे ही वो प्रोड्यूस हुए जितने, जैसे मानो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ उधर एक इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ उधर से एक इलेक्ट्रॉन होल क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये है रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जो इंटेंसिक सेमी कंडक्टर है उसमें जो नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डैट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इसको याद रखना है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इंटेंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर डेंसिटी ऑफ इंटेंसिक कैरियर्स बोलते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या बोलते हैं, कैरियर्स। कैरियर्स क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स होल्स हुए। तो नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिक कैरियर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इंटेंसिक कैरियर, राइट। इसको हम इंटेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आपकी सारी की सारी क्या थी, यस दैट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने बताया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, फिर मैंने आपको बताया कि करंट कैसे चलता है, होल कैसे चलता है, फिर मैंने रिकम्बिनेशन आपको बताई, राइट, और कैसे क्रिएट होते हैं तो थर्मल एनर्जी से क्रिएट होते हैं, मैंने आपको बता दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर और जीरो केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर जो अब इंसुलेटर क्यों बन जाता है वो मैंने आपको बता दिया, राइट, क्लियर, सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। अब जो जर्मेनियम है बेटा दैट हैज लार्ज इंटेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जर्मेनियम है उसमें जो इंटेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो सिलिकॉन से ज्यादा है, राइट। जो इंटेंसिक कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जर्मेनियम में वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन। और जो फॉरबिड एनर्जी गैप है फॉर जर्मेनियम दैट इज आल्सो लेस देन दैट ऑफ सिलिकॉन। तो इसलिए स्मॉल एक्सटर्नल एनर्जी मेक्स जर्मेनियम कंडक्ट। मैंने क्या बोला कि इसमें जो एनर्जी गैप है जर्मेनियम में बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल, राइट। जो हमारे पास फॉरवर्ड एनर्जी गैप है जर्मेनियम के लिए बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, और जर्मेनियम में जो इंटेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है। मगर अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को कंपेयर करें तो जर्मेनियम में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो क्या है, कम है, और दूसरा उसमें इंटेंसिक कैरियर्स भी क्या हैं, ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। बैरियर कम और कैरियर्स जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो इसलिए जर्मेनियम को थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिलती है तो एकदम से क्या करता है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंटेंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ये कौन सी थी हमारे पास, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी, उसके कारण हम बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे।
एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है? इंटरेस्टिंग है ये, एक बार पढ़ने से समझ आ जाता है बेटा। ये लेक्चर सुनोगे आप एक बार तो समझ आ जाएगा, दो बार सुनोगे तो और समझ, तीन बार सुनोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड भी होता है, कंडक्शन बैंड भी होता है, ये तो आपको पता है। सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड भी होता है, कंडक्शन बैंड भी होता है, एंड दे आर सेपरेट बाय अ फॉरवर्ड एनर्जी गैप, राइट। मैंने आपको बताया था लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वो होता है अप्रॉक्सीमेटली, हम जो हमने कंसिडर किया लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने क्या बोला कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए एनर्जी गैप, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने के ऊपर एनर्जी गैप होता है जो हम लेते हैं। तो सेमी कंडक्टर में जो बैलेंस बैंड है, दिस इज बैलेंस बैंड और दिस इज कंडक्शन बैंड, इसमें जो एनर्जी गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर ले लेते हैं। तो बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी होता है, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, मैंने बताया था। और ये क्या होता है? खाली होता है पूरा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एम्प्टी होता है ये 0 केल्विन के ऊपर। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होता है, राइट जैसे ही टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, मतलब एट रूम टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड के, दे गेन थर्मल एनर्जी एंड दे जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। समझ आई? यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेन एनर्जी, थर्मल एनर्जी उनके पास आ जाती है, थर्मल एनर्जी से वो एनर्जी लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेते हैं तो वो कहां पर पहुंच जाते हैं? कनेक्शन बैंड में, जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कनेक्शन बैंड। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां पर क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी क्रिएट होगी। जो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर रहा है तो वहां पर वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी भी? होगी कि नहीं? यस। तो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कंडक्शन बैंड दैट लीव बिहाइंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड, एंड दीज होल्स दे क्रिएट एम्प्टी एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये होल जो है वो नियर बाय इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? फिल अप हो जाता है। ये जो होल है दैट कैन बी फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियर बाय एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड। व्हेन द इलेक्ट्रॉन फिल्स द होल, अनदर होल इज क्रिएटेड एट द साइट वेयर द होल इलेक्ट्रॉन गोज टू फिल द होल। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कनेक्शन बैंड में चले जाएंगे कि उनको एनर्जी मिली, सारे के सारे नहीं जाएंगे। ये सेमीकंडक्टर है, मैंने आपको बताया था वो किसमें होता था? मेटल्स में जो कंडक्टर थे, कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप ईच अदर, तो दोनों ही पार्शली फिल्ड होते थे, ऐसे था ना। यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया तो उसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, और यहां से कोई नियर बाय एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन आया उसने वैकेंसी को फिल कर दिया, राइट। जहां से आया वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, और जहां पर जाएगा वहां पर वो फिल कर देगा। जैसे यहां से इधर गया तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे क्या छोड़ गए? वो एक वैकेंसी क्रिएट कर गए, एंड दिस इज द बैलेंस, सॉरी एनर्जी बैंड थ्योरी। क्लियर? तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होल मैंने बताया, तो नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। इंटेंसिक सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल एज अ होल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इसमें होल होंगे, ये पूरा न्यूट्रल होता है, एज अ होल दैट इज न्यूट्रल, ओके। तो नेट करंट दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो नेट करंट होता है वो दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये हमारे पास क्या थी? बैलेंस बैंड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी। इज दैट क्लियर? पता चल गया। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द इंटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम करेंगे ड्रिफ्ट, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर छुट्टी। ड्रिफ्ट,
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर क्या होगा? ये तो पता ही आप, ये मेरे पास सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, राइट? मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कर रहा हूँ, इसमें होल्स भी हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स होल। जैसे ही मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जो होल्स हैं वो इस तरफ को मूव करेंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को मूव करेंगे, ठीक है? और हमारा करंट क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ होल्स कन्वेंशनल, क्योंकि होल हमारे इस तरफ को मूव कर रहे हैं, राइट? क्लियर? क्या होता है कि जो होल है बैलेंस बैंड के एंड इलेक्ट्रॉन्स का कनेक्शन बैंड, दे मूव रैंडमली, पहले ऐसे होता था, लेकिन जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज सेट अप बिटवीन द अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, जो होल्स हैं बैलेंस बैंड के दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड के दे मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ होल्स, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन होल्स दे हैव अपोजिट साइन, सो द मोशन ऑफ बोथ द चार्ज कैरियर्स दैट गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सेम डायरेक्शन ओनली। ओके, क्लियर है, पता चल गया? तो जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जिस तरफ को होल ड्रिफ्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो हम हमेशा डायरेक्शन किसकी लेते हैं? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं। मेरी बात समझ आई? कुछ नहीं है इसमें, हमने बैटरी लगा दी तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसमें है? कंडक्शन बैंड में। होल किसमें है? बैलेंस बैंड में। तो होल पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इसमें क्या प्रॉब्लम, राइट? कोई ज़्यादा नहीं है, टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट सुनो मेरे पास, दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब मुझे बताओ, हमारे पास जो कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, राइट? इतना ही होता है ना, देख लो इतना ही होता है। सेमीकंडक्टर का एटॉमिक नंबर पता है? जर्मेनियम का, सिलिकॉन का पता है? चलो नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब कार्बन के पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आती है इसकी कितनी होगी? 1s2 2s2 2p 2 2 4 6, कितना आ गया? 2p6। यही बनी इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अरे मुझे नहीं पता, ये चेक कर लेना आप, यही बनती है। तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4, राइट? ऐसे ही आप सिलिकॉन की बात करोगे, सिलिकॉन में कितने होते हैं? 14 होता है सिलिकॉन का। सोच लो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ। हाँ, 12 या 14 है? चलो जितना भी हो आपने देखना है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आपने देखना, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है, लेकिन एंड में देखना आपके पास यही एस में 2 आएंगे, पी में 2 आएंगे। चाहे आप सिलिकॉन ले लो, चाहे आप जर्मेनियम ले लो, चाहे आप कार्बन ले लो, इन सभी के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कार्बन में भी कैटिनेशन होती है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत बार आता है ये, है ना? मुझे तो आती नहीं, ऐसे होता ना स्ट्रक्चर ही मेरे तो, ये बात ऐसे ही है, राइट? तो इसका मतलब कार्बन भी, इसके पास भी 4 है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। इसका ये भी सेमीकंडक्टर होना चाहिए फिर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कौन से ग्रुप में लाई करते हैं बताओ ना? ये 4 थे में, देखो मुझे ये भी याद है, ये इसमें लाई कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, सेम ग्रुप में लाई करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक और है, क्लियर? तो सभी के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो कार्बन है दैट इज नॉट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑल्दो इट लाइज इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, सेम ग्रुप में लाई कर रहा है। इसमें भी बैलेंस जरूरी नहीं है कि जिसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, समझ आ गई? कार्बन सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है, कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम है,
तो भाई इसका क्या है, एक ही फैमिली के हैं सारे के सारे, उसके पास भी बैलेंस चार हैं और फैमिली भी इनकी एक है, तो इसको हमने अलग क्यों रखा? इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। कार्बन को हम सेमीकंडक्टर क्यों नहीं लेते हैं? सबसे पहला क्या है, नंबर वन कि जो फोरबिड एनर्जी गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर कार्बन, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। समझ आ गई कि हमारे पास जो कार्बन है, क्वेश्चन आता है कि कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, व्हाई? तो कार्बन में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसमें जो एनर्जी गैप है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी तो आपको पता ही है, उसके पास कितनी होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा कहाँ जंप करेगा? पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर द कार्बन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए हम उसको सेमीकंडक्टर नहीं मानते। चलो एक बात हो गई है, दूसरी बात बताओ फिर। आपने कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है, राइट? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द कार्बन, दे आर इन द सेकेंड ऑर्बिट। ऐसे बनाते हैं ना, कार्बन में ये 2 बन गया और ये यहाँ पर 4 बन गया, तभी 6 बने। जो सेकेंड ऑर्बिट है यहाँ पर, ध्यान से देखना कि जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन दे आर इन सेकेंड ऑर्बिट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन, जब आप ये स्ट्रक्चर सिलिकॉन का बनाओगे या जर्मेनियम का बनाओगे तो सिलिकॉन में ये 3rd होगा, जर्मेनियम में 4th ऑर्बिट होगा। सिलिकॉन में देखना ये 3rd होगा और जर्मेनियम में क्या होगा, 4th ऑर्बिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम फॉर कार्बन। आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी? कार्बन के लिए होगी। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल, वही है ना हमारे पास। आउटमोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकंड से करोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है, बाहर निकालना है, राइट? लेकिन ये न्यूक्लियस के कारण उसके पास अट्रैक्शन है, वो उसको खींच के रख रहा है, लेकिन ये कहता है कि हमने बाहर निकालना है इसको। तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किया होगा आपने कि ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, हम कह रहे हैं उसको बाहर निकालना है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो कहता मैंने नहीं छोड़ना, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसके क्या है, क्लोज है, राइट? सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है कार्बन के लिए वो क्या है, क्या है, दैट इज मैक्सिमम देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर है? सबसे कम जर्मेनियम में होगी आयनाइजेशन एनर्जी और उससे कम सिलिकॉन में, हाँ नहीं, उससे ज्यादा सिलिकॉन में, उससे ज्यादा किसमें होगी, कार्बन में। तो आयनाइजेशन एनर्जी, मैं से लिखता हूं आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, कार्बन के लिए, दैट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन, और इसकी ग्रेटर है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम, राइट? तो आपके पास 2 रीजन बन गए कि कार्बन को हम सेमीकंडक्टर क्यों नहीं बोलते हैं। नंबर वन कि हमारे पास जो एनर्जी गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड, फॉरवर्ड एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कनेक्शन बैंड इन केस ऑफ कार्बन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा मैंने क्या बताया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है कार्बन की वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए जो कार्बन है दैट इज सेमी कंडक्टर नहीं है। कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, वेयर एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर सेमीकंडक्टर। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, एक आयनाइजेशन वाला किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट? अगर दोनों में से पूछे तो आपको पता है कि जर्मेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे कम होती है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो एनर्जी गैप है वो किस में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन में, इसमें क्या होता है, कम। मैंने पहले बताया कि जर्मेनियम में कम होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, इसका मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम में हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, जर्मेनियम, ओके? चलो
ये उसके बाद फिर हम कल करेंगे ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन, और आज के लिए बहुत आया, ओके देन, गुड बाय बाय।